सचिन, आप देख रहे हो मेरा चैनल सचिन क्यूरियस। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज का एक नया दिन और आज एक नया वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने हंटर की। जो हंटर है जो मैं एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो आज मैं बताऊँगा कि आपको मेरी हंटर एक साल में मुझे कैसा परफॉर्मेंस दे रही थी और मैंने मीन्स कैसा मैंने यूज़ किया और क्या क्या। आज थोड़ा बात करते कि और हंटर क्या है, यूज़ करने के लिए अच्छी है या नहीं, ये हम बात करते। तो चलिए बात करते हैं। हंटर जो मैंने ली थी जनवरी 2023 में, रेबल ब्लू 350 cc की है। जो हेवी नहीं चाहते हैं और जिनकी हाइट 5'7" 6" के नीचे है, तो उनके लिए बहुत ही काफ़ी अच्छी और परफॉर्मेंस देने वाली हंटर है। तो जब मैंने लिया था तो मैंने पहले तो पल्सर बुक की थी N160 की। जाके मैंने इसका थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव ले लिया तो मुझे बहुत ही काफ़ी बढ़िया लगी और बहुत ही काफ़ी पावरफुल गाड़ी लगी। क्योंकि N160 जो थी ना, उस एज़ कम्पेयर टू अगर इससे बात करेंगे तो ये हंटर जो है ना, बहुत ही काफ़ी अच्छी गाड़ी है और बहुत हेवी और बहुत मजबूत गाड़ी है। N60 की बात करेंगे तो वो कुछ साल के बाद आपको ऐसा फील होगा कि यार हाँ, कुछ तो थोड़ा बहुत तो आपको, लेकिन इसमें अगर 8-10 साल भी यूज़ करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ पार्ट लूज़ हुआ है, क्या हुआ है। बहुत ही काफ़ी बढ़िया लगती है। तो देखो, मैंने अभी ऑलमोस्ट बहुत कम यूज़ किया है, बट स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितना यूज़ किया है। क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बीच में अपना ऑफिस बंद था। तो ये देख सकते हैं 4,303 किलोमीटर्स मैंने एक साल में यूज़ किया है। तो मैट फिनिश में, और मैट फिनिश में गाड़ी दिखने के लिए बहुत अच्छी लगती है। और अगर नीचे से देखोगे तो पूरी ये ब्लैक में है, देख सकते हैं पूरा ब्लैक है। और आपको ये अलग से ऊपर ये जो टंकी लगी है ना, अलग से दिखती है, वाइट और ये ब्लू, बहुत ही काफ़ी कॉम्बिनेशन बढ़िया है और ब्लैक के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और इसका लॉन्चिंग कलर भी यही था, तो लॉन्चिंग कलर भी यही था, तो इसलिए तो बहुत ही काफ़ी लोगों ने पसंद किया इसको। तो बहुत ही काफ़ी बढ़िया दिखने के लिए मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और यूज़ करने के लिए भी अच्छी। अब मैंने इसको लॉन्ग ड्राइव में भी यूज़ किया था, बहुत ही काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो अगर इसकी यूज़ की बात करेंगे तो अगर आप हाईवे पे यूज़ करेंगे और आप अच्छे स्पीड से जा रहे हो तो आपको कोई फील नहीं होगा कि यार गाड़ी बहुत ही ऐसा लग रही है कि आपको भगाने में मज़ा नहीं आ रहा है। बहुत ही काफ़ी मज़ा आता है भगाने में। मैंने ऑलमोस्ट हाईवे पे चलाई ये गाड़ी। जो इनिशियल जब मैं लिया था तो मैं अपने गाँव पर लेके गया था, वहाँ पर पूजा करने के लिए मैं उधर लेके गया था। तो हाईवे पर चलाई थी ना, बहुत ही काफ़ी गाड़ी परफॉर्म, दोनों लोग गए थे और दो लोगों में बहुत ही काफ़ी परफॉर्म दिया था। ऐसा बोर नहीं होता गाड़ी चलाने में, बट पीछे जो बैठते हैं ना, जो पिलियन, जो उसके लिए थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होता है। क्योंकि ये जो पीछे वाला सीट है ना, बहुत ही छोटा है, देख सकते हैं। तो इसके वजह से आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट फील हो सकता है जो पीछे बैठता है। लेकिन अगर ये नहीं लगाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार आपको कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये बिल्कुल आपको ये चाहिए जो भी पीछे बैठने वाला है, नहीं तो वो उसको थोड़ा सा ऐसा डर का महसूस होगा कि गिर जाओगे क्या। तो ये काफ़ी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आप ये लगा सकते हो। फैमिली के साथ जा रहे हो तो उनके लिए तो बहुत ही काफ़ी अच्छा है। अगर ये देख सकते हैं, मैंने उसके साथ जब लिया था ना, तो ये मैंने LEDs वाले अलग चेंज करवा के लिए थे। ये दोनों, ये जो है ना LED इंडिकेटर्स, देख सकते हैं ये नंबर प्लेट ऐसा है। और यहाँ पे अगर बात करोगे तो बहुत ही काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी देती है। तो जैसे मैंने वहाँ पे हाईवे पे चलाया था, 1000 किलोमीटर गाड़ी में चला के लेके आया था, तो ऑलमोस्ट मैंने स्पीड है ना 100+ था। तो वैसे कभी कभी मैंने 100+ मीन्स 110 के स्पीड से भी मैंने गाड़ी भगाई है। तो बहुत ही काफ़ी रोड प्रेजेंस है गाड़ी का, रोड पे ऐसे चलती है ना, ऐसा कहीं डर नहीं लगता। जैसे आप कोई ओवरटेक कर रहे हो तो एकदम जल्दी से फटाक से गाड़ी ओवरटेक कर लेती है, ऐसा डर नहीं लगता। तो बहुत ही पिकअप भी बहुत ही काफ़ी बढ़िया है, जो 350 cc का इंजन है तो बहुत ही काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। तो मुझे तो कोई ऐसा और फील नहीं हुआ, बट एवरेज का थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि थोड़ा कम देते हैं, बट बहुत ही काफ़ी अच्छी है। अगर हम इसके टायर की बात करेंगे तो टायर देख सकते हैं 140/70/17 MC 660P के है, जो बहुत ही काफ़ी बड़े टायर लगते हैं। देख सकते हैं अगर इसकी साइज़ देखोगे ना, बहुत ही काफ़ी अच्छा बड़ा टायर लगता है। थोड़ी सी गंदी हो गई है अभी, थोड़े से यहाँ पे बारिश है, तो थोड़ा देख सकते हैं टायर बहुत ही काफ़ी बड़ा लगता है। फायरिंग की बात करेंगे तो चलो देखते हैं, फायरिंग करके देखते हैं। मैं अभी अकेला हूँ तो थोड़ा वीडियो चलाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये देख सकते हैं ऐसा कुछ फायरिंग है। काफ़ी फायरिंग बढ़िया लगता है क्योंकि एकदम सॉफ्ट फायरिंग है। अगर एज़ कम्पेयर टू अगर क्लासिक की बात करोगे 350 की, तो 350 की तो मुझे तो बहुत पसंद आती है, बट लेकिन मुझे वो मेरे हिसाब से वो बहुत ही हेवी लगती है, इसलिए मैं वो लिया नहीं। और ये मेरे हाइट के हिसाब से ये मुझे बहुत ही काफ़ी अच्छी गाड़ी है।
मुझे तो परफॉर्मेंस के बारे में तो बहुत ही बढ़िया लगी, बट एक चीज़ ऐसी है कि इसका एवरेज की बात करेंगे तो इसकी एवरेज थोड़ी कम है। अगर जैसे आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से आपको एवरेज मिलती है। अगर इसके एवरेज की बात करेंगे तो ये कंपनी ने कोट किया 130-135 के आसपास में, बट ये उतना देती नहीं है। अगर आप सिटी में चलाओगे तो 25-28 तक देगी। अगर हाईवे पे अगर 80 के आसपास चलाओगे तो आपको एवरेज ये देगी 30 प्लस तो दे ही देगी। हाँ या बट इतनी बड़ी जैसे 350 cc की अगर आप बाइक यूज़ कर रहे हो तो आपको ये एवरेज का तो सोचना ही नहीं चाहिए, देख सकते हो। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छा है चाहिए तो आगे के टायर की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं आगे का टायर आपको मिलता है 110/70/17mc 5450। तो ये उस टायर है, देख सकते यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का लोगो बेसिक फैब्रिक का आपको मिलता है ये। पहले मैं बताऊँगा तो मुझे तो गाड़ी बहुत पसंद है, तो कुछ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी यूज़ करने में। बहुत ही काफ़ी हैवी और मस्त लगती है, और जब भी आप चलाओगे ना तो आपको अच्छा फील होगा और बहुत ही कंफर्ट फील होगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई अलग दूसरी गाड़ी ले रहे हो तो ये गाड़ी के लिए ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक्सेसरीज में देख सकते ये रोप डाला था, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, तो दिखने में भी थोड़ी सी अलग लगती है और अच्छी लगती है। इसके बाद तो मैंने एक मोबाइल होल्डर लिया है, जो कभी कभी ड्राइव करते टाइम अगर कोई मैप लगाना है या वीडियो बनाने का तो कुछ यूज़ नहीं होता, बट ये मैंने लगाया था। तो इसके बाद इसके ऊपर मैंने ये लगाए थे जो लैमिनेट किया था, ये ख़राब हो चुका है तो उसको चेंज करना, एक साल में हो गया वो ख़राब, तो ये एक लगाया था। उसके बाद मैंने इंडिकेटर्स अलग से बिठा के लिए थे, जो मैंने पहले ही बताया था। और इसमें अलग बात करेंगे तो इसमें ये मैंने ये गार्ड बिठा के लिया था, जो यहाँ पे जो देख सकते हैं मिट्टी वगैरह होता है ना, यहाँ पे वो गंदी नहीं होती, तो इसके सबसे बहुत ही नीचे से इंजन को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए ब्रेक का अगर देखोगे तो ब्रेक में ऐसे कुछ रबर वगैरह बिठाया नहीं उन्होंने, देख सकते बस ये सिंपल सी चीज़ है। और ये बोलते हैं ना कि नॉन मेंटेनेंस है, यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है, कुछ ख़राब नहीं होता। ये जो है ना ये लोकन बोलते हैं ना लोकन डीलर को, तो इसका कुछ ख़राब होने के चांसेस बहुत कम है। मैं जो भी मटेरियल उन्होंने यूज़ किया ना, एकदम हीवी और मजबूत मटेरियल यूज़ किया है, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार। और यहाँ पे भी आपको एक लाइट दिखती है, देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर प्लेट के लिए दिखने के लिए, तो यहाँ पे अलग से उन्होंने बनाया, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलता है, देख सकते हैं। और एक चीज़ मैंने बिठा दिया यार, सॉरी बताना भूल गया, यहाँ पे जो है ना फुटरेस्ट जो है ना, अभी जब भी कोई लेडीज़ अगर आपकी बाइक पे बैठ रही हो बैठने के लिए ये बहुत ही काफ़ी यूज़ होते हैं। और एक हेडलाइट का मैंने सुना था, देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है, ये जो हेडलाइट जो होते हैं जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, इसमें जो भी जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना तो इसकी हेडलाइट जो बल्ब होता है वो कंटिन्यूसली चालू रहता है, वो बहुत गर्म होता है। तो मैंने ये सुना था कि ये जो हेडलाइट का जो ग्लास है और ये जो टेस्ट होता है हेडलाइट, ये 45 आवर्स कंटिन्यूसली वो ऑन करके टेस्ट करते कि कहीं ना एक ग्लास तड़क ना जाए, फूट ना जाए गर्म होने के बाद। तो वो मैंने जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और मेरे एक दोस्त है उनके यहाँ पे ये वो कंपनी जहाँ जॉब करते हैं ना, वहाँ पे ये जो हेडलाइट के जो ग्लासेस है वो पूरा सेट वहाँ पे बनता है, और वहाँ पे वो 45 आवर्स वो टेस्ट करवाते हैं कि भाई ये गर्म होने के बाद कुछ होता है कि नहीं। तो ये देखिए कंटिन्यूसली लाइट जलती रहती होते, अगर आप इसको हाथ लगाओ जाते बहुत गर्म लगता है। तो ये कोई क्रंच प्रॉब्लम नहीं है कि ये कुछ फूट जाए या तड़क जाए गर्म होने के बाद, तो ये ऑलरेडी टेस्ट होता है। हम तो 45 आवर्स तो कंटिन्यू गाड़ी चलाते ही नहीं है, तो इसकी वजह से कोई टेंशन है ही नहीं। इंजन की बात बहुत ही काफ़ी बढ़िया रिफाइंड इंजन है, और इसमें इंजन में कोई प्रॉब्लम आज मुझे तो कुछ आज तक मैंने दो सब मेरे सर्विसिंग हो चुके हैं। मैंने सर्विसिंग का भी एक वीडियो डाला है, बट सोचा कि चलो यार एक साल के बाद एक थोड़ा रिव्यू पे डाल देते हैं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई है, बट कभी कभी लगता है, कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता था कि मुझे यहाँ पे ना मेरे पास वो वीडियो रहेगा तो यहाँ पे ना इंजन का साइन आता था, तो मैंने दिखाया था वो क्या बोला कि उन्होंने वो सेंसर कुछ हो सकता है, तो सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने बोला कि अगर सेंसर का प्रॉब्लम है, अगर एक्चुअली में इंजन को प्रॉब्लम आ गया तो कैसे पता चलेगा। तो नहीं, उन्होंने क्या किया कि वो टेस्टिंग मशीन था, उन्होंने सेंसर चेक करवा लिया, और सेंसर चेक करने के बाद वो मंडी को बता दिया कि भाई आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही हमने सब मैंने चेक करवा के लिया था। अगर और इसकी बात करेंगे तो इसमें मैंने अगर जब फुल किया था ना टाकी 15 लीटर के आसपास, तो ये टाकी फुल हो सकती है। या ब्रेक सिस्टम का मुझे एक एक्सपीरियंस बताना था, यहाँ पे है ना ब्रेक सिस्टम में, यहाँ पे पहले कोई तो ऐसे चुई चुई करके यहाँ पे आवाज़ आती थी, तो मैंने जाके ये क्लीन करवा के लिया था। कभी कभी क्या होता है ना, इसमें डस्ट बैठ जाता है, डस्ट बैठने के बाद ना यहाँ पे जो ब्रेक लाइनर होते हैं ना, तो ब्रेक लाइनर में वो अगर वो अटक गए ना तो आपको वो फील होगा कि यहाँ पे कुछ तो आवाज़ आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता मेरे हिसाब से। तो बट आप एक बार देख लेना अगर कहीं ना कहीं तो कोई ब्रेक लाइनर का कोई प्रॉब्लम हो गया, बट मेरा तो वही प्रॉब्लम था कि जहाँ पे वो मिट्टी या डस्ट बैठी थी इसकी वजह से वो आवाज़ आ रहा था। मैंने वो दो बार चेक करवा के उसने उन्होंने खोल के उसको क्लीन करके दे दिया था, तो इशू रिजॉल्व हो चुका था, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। ये एक मुझे प्रॉब्लम था, और वो मैंने बताया तो स्पीडोमीटर का, जो स्पीडोमीटर में जो इंजन का साइन आता था वो एक इशू था, वो साइन का।
तो और एक चीज़ बता दो, ये जो पेट्रोल का जो लेवल दिख रहा है, तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है, ओके यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर मैं चलाऊंगा तो अभी एक 5-10 किलोमीटर चलाऊंगा तो ये सडनली नीचे आ जाएगा और इसका फ्यूल का आपको रिजर्व दिखाएगा, और बीच में आपकी गाड़ी रोकोगे और आपको साइड पे लगाओगे और थोड़ा देर चलाओगे तो फिर से वो आएगा ऊपर बीच में तक, अपने पास ताकि फुल भी रहेगी ना, तो कभी कभी ये रिजर्व दिखाता है, तो इसका कुछ तो ये स्पीडोमीटर का प्रॉब्लम है, या फिर मुझे तो अच्छा नहीं लगा स्पीडोमीटर का कम ज़्यादा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक सेंसर है टाकी में, वो सेंसर निकाल के देखते बोलते, लेकिन क्योंकि जिस मैं गया था ना सर्विसिंग के लिए उस टाइम पे मेरी टाकी फुल थी, उन्होंने बोला कि आपका 1.5 से 2 लीटर का पेट्रोल वेस्ट हो सकता है, तो जब भी आपकी टाकी खाली हो जाएगी तो उस टाइम पे लेके आओ और तब हम उसको निकाल के देख लेंगे कि कुछ सेंसर का प्रॉब्लम है क्या, वो जो स्पीडोमीटर जो जीरो में चला जाता है तो उसका हम कुछ तो बताएंगे, और कुछ प्रॉब्लम है तो हम करवा के देंगे। तो मैंने इसका एक्सटेंडेड वारंटी ली है, तो पता नहीं वो एक्सटेंडेड वारंटी में कवर होता है कि नहीं, बट तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है यार, ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में आगे पीछे होता रहता है, तो थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट करके वो सर्विस सेंटर में जाके आपको सब सोल्यूशन मिल जाता है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। बट क्या ना, कभी कभी वो सपोर्ट नहीं करते तो ठीक है, हो जाता है आगे पीछे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो देख सकते। फिनिश में अगर आप देखोगे ना, दिखने वाले के लिए गाड़ी बहुत काफ़ी अच्छी लगती है और इसका मेंटेनेंस कम है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बार इसके ऊपर स्क्रैचेस आ गए ना, तो आप इसको स्क्रैचेस को नहीं निकाल सकते, जैसे कि आप ग्लॉसी फिनिश भी निकाल सकते हो जहाँ पॉलिश वगैरह होता है। देखो अभी यहाँ पे जो ना मेरी बेटी बैठती है, तो यहाँ पे छोटे छोटे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये देख सकते हैं छोटे छोटे उसमें स्क्रैचेस है, ये देखो ये छोटे छोटे स्क्रैचेस होते रहते हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये निकलते नहीं है, ये छोटे छोटे सोल मार्क जैसे स्क्रैचेस होते हैं, निकलते नहीं, बट दिखने के लिए बहुत ही काफ़ी अच्छा रहता है, मेंटेनेंस कम रहता है, कुछ ज़्यादा इशू नहीं आता, और वाइट ब्लू में का अगर देखोगे ना तो बहुत ही काफ़ी बढ़िया लगती है दिखने में। मैट फिनिश में बात करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको ये लाइन दिखती रहेगी, ये निकलता नहीं है, तो ये थोड़ी बहुत तो चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ती है अगर आपको मैट फिनिश में लेना है। तो मैंने वाइट कैंसिल करके ये करके मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीना इसमें वेट किया था, तो ठीक है मुझे पसंद जो चाहिए थी मुझे वो मिल गई थी। और देख सकते इसके अलॉय व्हील्स डिज़ाइन दिया हुआ है, अलॉय व्हील्स की बात करेंगे तो देख सकते अलॉय व्हील्स कुछ ऐसे हैं, काफ़ी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, अपर मार्केट डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने देते टाइम ये बहुत ही काफ़ी बढ़िया और डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए हैं। अभी तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं, मैंने 2-3 चीज़ें मुझे लगी थी वो मैंने डाल दी, जो स्पीडोमीटर का, जो ब्रेक का, और इसका बोलते हैं कि एवरेज भी कम देती है कभी कभी, तो एक्सटेंडेड वारंटी लेना ज़रूरी है इंजन और बाकी के चीज़ों के लिए, तो एक्सटेंडेड वारंटी बहुत ही काफ़ी ज़रूरी होती है। तो चलो चलते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस डाले, तो मैंने भी सोचा कि चलो मेरा भी एक एक्सपीरियंस डाल देता हूँ यार, तो क्या है कि मैं भी यूज़ करता हूँ तो मुझे भी पता है, तो बहुत ही मैं डेली ऑफिस, पहले ऑफिस जाना नहीं होता था, बट ऑफिस के लिए मैंने गाड़ी ली थी, मेरे पास पहले पैशन थी तो मैंने चेंज करवा के ये ले लिया। तो चलते हैं, बात करते हैं अभी एक नए नेक्स्ट वीडियो में, अभी इस वीडियो को हम क्लोज कर देते हैं, और अगर कुछ रहेगा तो मैं और बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आपको पता नहीं आपको कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कुछ मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। सो बहुत सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।